युवाओं की अभी तक लिखित परीक्षा नहीं हुई। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि उनकी रिटर्न परीक्षा हो तो उनका कहीं ना कहीं नंबर आ जाए और वो सेना में भर्ती हो जाए। माननीय मंत्री जी जवाब दें। अध्यक्ष महोदय जी, भारतीय सेना का जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है वो सबको मालूम है। देश भर में अलग अलग जगह में इसका रीजनल हेडक्वार्टर है। दोस्तों, देश भर में लंबे समय से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवा जल्द से जल्द सेना भर्ती रैली के आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज इन सभी युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, जिसके तहत कल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोरोना महामारी से जुड़े हालात के ठीक होने के साथ ही सेना में भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी और अधूरी भर्तियों को पूरा किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, कानून मंत्री रिजिजू ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी है और वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जवाब दे रहे थे। राजस्थान से बड़ी संख्या में जो रिक्रूटमेंट रैली हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किए हैं और माननीय सदस्य हमारे साथी राजस्थान से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी ने सही कहा कि राजस्थान से काफ़ी मात्रा में रैली में भाग लिया। और जब 47 रैलीज कंडक्ट किया गया देश भर में, उसमें कोविड का सिचुएशन आ गई जुलाई के महीने में गंभीर रूप से, तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को रोक दिया गया है और ये परमानेंट रुका नहीं है सर, क्योंकि अभी भी कोविड का नया वेरियंट का इस देश में प्रकोप है तो इसमें कुछ इसको विलंब हो रहा है, वो कारण सबको मालूम है। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूँ इस सदन को कि जितना जल्दी हो सके रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट सब हो चुके हैं, बाकी जो फाइनल जो होगा वो फाइनल रिटर्न टेस्ट जो होगा वो टेस्ट भी जल्दी होगा जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है आप इधर बोलिए कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से भर्ती की बात कही है कि अभी कोविड में वाकई डिले है, लेकिन कोविड होने के नाते और बहुत सी भर्तियां चालू हैं, तो मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द वो रिटर्न टेस्ट कराया जाए ताकि वहां के बच्चों को मौका मिले और टोंक और सवाईमाधोपुर के बच्चों को अलग से भर्ती का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद। पहले भी आश्वासन दिया, अभी सेना के अधिकारियों से, डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल सबसे बात करके ये जानकारी मैंने प्राप्त किया है और जितना जल्दी हो सके ये जो रिक्रूटमेंट का हाफ वे में जो अधूरा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ माननीय सदस्य को। श्री अशोक नेते।